जिला कुल्लू में विश्व दिव्यांगता दिवस के उपलक्ष्य पर मैराथन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 100 के करीब लोगों ने भाग लिया। प्रतियोगिता 3 कैटेगरी में आयोजित हुई। मैराथन का शुभारंभ SP साक्षी वर्मा ने किया, तो वहीं इसका समापन उपायुक्त द्वारा किया गया। उपायुक्त ने इस अवसर पर चंद्र आभा मेमोरियल दिव्यांग पुनर्वास केंद्र में बच्चों को पुरस्कृत किया तथा जिला रेडक्रॉस सोसायटी की ओर से दिव्यांगजनों को व्हीलचेयर तथा श्रवण यंत्र भी प्रदान किए गए। इस अवसर पर उपायुक्त ने कहा कि दिव्यांगता को सही समय पर पहचान कर प्रारंभिक हस्तक्षेप के माध्यम से दिव्यांगों को भविष्य में आने वाली समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जिला रेडक्रॉस सोसायटी की ओर से भी आदर्श जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र में इस तरह की विभिन्न सुविधाएं प्रदान की जा रही है। आज ये विश्व दिव्यांगता दिवस के अवसर पर जो है यहाँ पे एक्टिवली ये साफिया फाउंडेशन कुल्लू जिला में इस क्षेत्र में काम कर रही है। इनके द्वारा एक अर्ली इंटरवेंशन सेंटर चलाया जा रहा है, जो कि अब रीजनल हॉस्पिटल में उसको इस्टेब्लिश किया गया है, और इनके द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है। इनके पास जो एक्सपर्ट्स हैं उनके द्वारा जितने भी बच्चे जिनका किसी तरह की दिव्यांगता जो है उनमें एक अर्ली एज पे डिटेक्ट होती है, तो अर्ली स्टेज पे इंटरवेंशन करके वो एक नॉर्मल लाइफ लीड कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा उनको हम समाज के साथ इंटीग्रेट कर सकें, उस दिशा में ये लोग काम कर रहे हैं। और आज इस अवसर पर एक मैराथन और एक इंक्लूसिव वॉकाथॉन का भी इन्होंने यहाँ पे आयोजन किया है। तो इनके द्वारा जो काम किया जा रहा है डेफिनेटली सराहनीय है और बहुत कमेंडेबल है, क्योंकि ये एक ऐसा सेक्शन है जिनके साथ इस तरह का एफर्ट करना एक बहुत चैलेंजिंग काम है, और उसके लिए जिस तरह से इन्होंने एक्सपर्ट्स जो है उस फील्ड के ढूंढ कर ये यहाँ पे लाए हैं, और बहुत कम लोगों के पास इस तरह की एक्सपर्टीज़ भी रहती है, और यहाँ पे लोगों को ये फैसिलिटी मिल रही है, तो ये उन पेरेंट्स के लिए और उन बच्चों के लिए भी अच्छी बात है जिनमें इस तरह की दिव्यांगता जो है वो अर्ली एज में आइडेंटिफाई करी जाती है, ताकि अर्ली एज में अगर इंटरवेंशन होता है तो वो काफ़ी हद तक एक नॉर्मल लाइफ लीड कर सकते हैं। तो मैं इस अवसर पर ऑर्गेनाइजेशन को इनके एफर्ट के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। रेडक्रॉस कुल्लू द्वारा आदर्श जिला दिव्यांगता पुनर्वास केंद्र कुल्लू के माध्यम से समय समय पर दिव्यांगता पुनर्वास आकलन शिविरों का आयोजन किया जाता है। इन शिविरों में दिव्यांगजनों का पंजीकरण किया जाता है तथा जो ऐसे दिव्यांगजन पाए जाते हैं उनकी दिव्यांगता का आंकलन मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जाता है। उनकी दिव्यांगता की पुष्टि होने पर उनकी पुनर्वास आवश्यकताओं का आंकलन करते हुए व्यक्तियों को सहायक उपकरण उपलब्ध करवाए जाते हैं। ये आज क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय दिवस है जो कि दिव्यांगता को फोकस्ड है, और जिसे इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी भी कहा जाता है, इस खास दिवस पर जो है साफिया फाउंडेशन जो कि दिव्यांग बच्चों के लिए काम करती है, दिव्यांग बच्चों के विकास के लिए काम करती है, उसके सौजन्य से यहाँ पर एक मैराथन और वॉकाथन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अभी सुबह के सत्र में हमने मैराथन का आयोजन किया, जिसमें जिला कुल्लू के माननीय पुलिस अधीक्षक महोदया श्रीमती साक्षी वर्मा जी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे, और उसके बाद जो वॉकाथन होगा जिसमें उपायुक्त कुल्लू माननीय आशुतोष गर्ग जी हमारे बीच होंगे। तो ये बेसिकली ये सारा का सारा हमारा एक ही मकसद है कि हम सभी लोगों को दिव्यांगता के विषय पर जागरूक करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सी ऐसी भ्रांतियाँ हमारे समाज में है कि दिव्यांगजनों को मात्र घरों में चार दीवारी के अंदर रखा जाता है। हमारा प्रयास है कि इस मैराथन और इस वॉकाथॉन के माध्यम से उन दिव्यांगजनों को उनका अधिकार जो है वो मिल सके, और उन सभी को जो है हमारे मेन स्ट्रीम में, जिसे हम एक इंक्लूसिव एनवायरनमेंट कहते हैं, उन सभी लोगों को एक समावेशी दुनिया जो है मिल सके। बात करें साफे फाउंडेशन की, तो साफे फाउंडेशन में अभी तक जो है वो 480 के करीब बच्चे जो है हमारे पास पंजीकृत हैं जिनको साफे फाउंडेशन जो है सर्विस दे रहा है। इनमें मुख्यतः वो बच्चे होते हैं जो शारीरिक रूप से, जो मानसिक रूप से, या फिर जिनको स्पीच का प्रॉब्लम है, तो इनको अलग अलग तरह की इनकी ज़रूरत के हिसाब से थेरेपी इंटरवेंशन दिया जाता है, जिसमें मेनली फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, स्पेशल एजुकेशन जैसे सेवाएं इनको दी जाती है। उसके साथ साथ साफिया फाउंडेशन का एक मेन काम होता है, जिसमें खास तौर पर इंक्लूजन प्रोग्राम के अंडर जो भी दिव्यांग बच्चे होते हैं, इनके जो भी जितने भी राइट्स इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर गवर्नमेंट ऑफ HP ने दिए होते हैं, उन राइट को इन तक पहुंचाने के लिए जो है हमारी साफिया फाउंडेशन काम करती है, और उनको वो सभी फायदे जो हमारी सरकार और हमारे डिपार्टमेंट द्वारा इनको दिए जाते हैं उन तक पहुँचाने में भी हमारी मदद रहती है।